मांडा प्रयागराज। प्रयागराज जिले में विकासखंड मांडा के अंतर्गत बामपुर फाटक पर स्टार 7 टीवी न्यूज चैनल का क्षेत्रीय कार्यालय खुला हुआ है। 11 अक्टूबर 2019 दिन शुक्रवार को यहां पर हवन पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में मेजा विधानसभा की विधायिका श्रीमती नीलम करवाड़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा सिंह, उप जिला अधिकारी श्रीमती रेणु सिंह मुख्य अतिथि का आवागमन होना सुनिश्चित हुआ है। यहाँ पर स्टार 7 टीवी न्यूज चैनल का कार्यक्रम बहुत जोरों पर चल रहा है। उसमें पवन कुमार मिश्रा, बाबा गिरी, अनूप सिंह गीत संगीत के माध्यम से स्टार 7 टीवी न्यूज चैनल का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्षेत्र के तमाम सम्मानित व्यक्ति लोग गीत संगीत के माध्यम से उद्घाटन समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित हैं और संगीत का आनंद उठा रहे हैं। हमारे परम सखा मित्र, हमारे क्षेत्र के आदरणीय श्री संतोष भैया जी हैं, जो पत्रकार हैं और एक स्तंभ है, माने वैसा स्वरूप और व्यक्तित्व भी दिया है। और ये बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि आज आप लोग भी दिमाग में नहीं, बातों में नहीं, चर्चाओं में नहीं, पूरे भारत में बात हो जाए और माँ की सेवा करें। कैसे एक बात बताऊं, हमारे हनुमान जी के बड़े भारी भक्त हैं। पूछ भी आग लगवाई, क्यों पूछ नहीं आग लगवाई? कहते हैं हमारे बाबा भैया के श्री विजय शंकर भैया जी हैं, जिन्होंने बाबा गुरु जी के हाथों से आशीर्वाद पहुंचवाया। अभी मैंने कहा कि ये भगवान हनुमान जी जब लंका में चले गए तो उनकी पूछ नहीं हुआ, सूचना सही नहीं पाते हैं वो। यही हमारे धर्म का जो 24/7 स्टार टीवी है उसके माध्यम से जो न्यूज सही सही मिल रही है, हमारे गांव में जो बाढ़ आई थी उसका वीडियो, रामायण का वीडियो, किसी भी छोटी सी बड़ी घटनाओं का वीडियो जो बड़े चैनल नहीं कर पाते हैं, वो उस छोटी छोटी बातों से ही राष्ट्र बनता है। तो कहते हैं कि जो रास्ता शहर से गांव को आता है वही गांव से शहर को भी जाता है। व्यक्ति वो समय आएगा जब सेवन स्टार ग्रेटी के रूप में स्टार चरण पाए, यही मेरी माँ रुंदवासिनी से और प्रभु श्री राम जी से कल्पना है। हनुमान जी भी संतोष हो आपके, मैं इसी गीत को इसीलिए उठाया हूँ कि उनसे बड़ा सीए, उनसे बड़ा कहे चप्पल दिखाने की बात थी तो अपने बल धावन हेम सैला भरे हम, अपना विकराल रूप दिखाया मगर मशक समान रूप पर भी। ये छोटी छोटी जो चोटी है वो अभी बहुत काम करती है। अब क्यों हिम्मत नहीं बने रास्ता का क्यों मारी है, छोटी न्यूज छुपके रह जाती थी और उसी छोटी छोटी न्यूज से बड़ी न्यूज बड़े मर्डर केस हो जाते हैं। इसलिए छोटी गलतियों को ही सुधारने की जरूरत है। पहले गड्ढा अचानक बड़ा नहीं होता, छोटे गड्ढे से ही बड़े का स्वरूप ले लेता है। तो हनुमान जी कहे तो पुरुष पर अब सभी ने जाना थी नाच करके। हनुमान जी बात यह थी जब रावण दरबार में हनुमान जी चले गए तो
उन्होंने कहा इस बंदर को मार दिया जाए। बाबा भैया